नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। कर राहुल गांधी ने छोड़ दिया है 2019 में प्रधानमंत्री बनने का सपना। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 2019 में प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। लंदन में भारतीय पत्रकारों से बातचीत में खुद को भारत के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देखने के सवाल पर राहुल ने कुछ यूं कहा कि मैं ये सपना नहीं देखता, मैं खुद को एक वैचारिक लड़ाई लड़ने के तौर पर देखता हूं। राहुल ने कहा कि मैं किसी खास पद के बारे में नहीं बल्कि भारत को बचाने के लिए सोच रहा हूं। राहुल ने कहा कि मोदी सरकार में न्यायपालिका, चुनाव आयोग और आरबीआई को बांटा जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी देश के सामने उठ रहे इन गंभीर मुद्दों को लेकर लगातार चुप्पी साधे हुए हैं। पीएम पर हमला करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि भारत दुनिया को भविष्य दिखाता है, भारत के लोगों ने इसे मुमकिन किया और कांग्रेस ने इसमें सहायता भी की है। पीएम मोदी कहते हैं कि 2014 से पहले देश में कुछ भी नहीं हुआ तो वो कांग्रेस नहीं देश का अपमान कर रहे हैं। तो क्या माना जाए, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री बनने का सपना छोड़ दिया है और कहीं ना कहीं अब वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं। आपकी क्या राय है राहुल गांधी के पीएम बनने पर, हमें जरूर दें कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके। डेली डायरी की रिपोर्ट।